Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I, Surbhi Gupta, welcome you in our Mission CVT 2024 series. हम आ चुके हैं पार्ट 27 पे एंड इस वीक से हमने स्टार्ट किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यूनिट्स जो हैं. तो अगर अच्छा लग रहा है, बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, इसी नाम से मिशन CVT के नाम से प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज उस पर क्लिक करो, सारे पार्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे. एज आई सेड, हम यूनिट 8 पर हैं. इस वीक का थीम यूनिट 8 है. ये थीम थोड़ा ब्रॉड है, ये आपके तीन चैप्टर्स कवर करता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, व्हिच इज योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो ऑल दीज थ्री चैप्टर्स आर बीइंग कवर्ड इन दिस वन यूनिट. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू नो मी यू कैन पॉज एंड रीड, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट मी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर. ओके, दिस इज माई स्कोर कार्ड. आई अपियर्ड इन 2023 टू सी इफ व्हाट आई एम टीचिंग यू इज अप टू द मार्क, एंड यू कैन सी दैट इकोनॉमिक्स वॉज माई वन ऑफ माई डोमेन सब्जेक्ट्स एंड आई हैव 100% एंड आई एम यू नो वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक योर स्कोर कार्ड लुक लाइक दिस एवरीबडी. सो यू कैन ट्रस्ट मी विद द प्रेपरेशन एंड बात मान लो मेरी, तो ऐसी ही स्कोर कार्ड दिखनी है. ठीक है, एजेंडा देख लो पॉज करके कि क्या है हमारे इस वीडियो का, इस सेशन का. सिलेबस रीड कर लो. यूनिट 8 ही रखा है मैंने क्योंकि इस वीक का थीम ही यूनिट 8 है. एंड फोटो ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट टू से कि सोर्स जो आपका बेसिक होना चाहिए वो NCERT सोर्स होगा आपका, चाहे मैक्रो हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ओके, कहाँ से मिलता है सिलेबस? CVT.summit.ac.in जाओगे, डाउनलोड करो, चेक करो. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था? टू प्रिपेयर और इंस्टॉल इंडस्ट्रियल प्लांट्स, हमारे ग्रोथ के लिए? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो ये तो है ही नहीं. मेकिंग इंडिया एन इम्पोर्टर ऑफ रॉ गुड्स, मेकिंग इंडिया एंड इम्पोर्टर ऑफ रॉ गुड्स, नहीं, इम्पोर्टर होने चाहिए था, इंडिया में फिनिश गुड आए, रॉ गुड्स एक्सपोर्ट कर दे और फिनिश गुड्स यहाँ पर आ जाए. टू रिड्यूस द कंट्री to being a raw material supplier for Great Britain's expanding modern industrial, अपना modern industrial base बनाना था, अपना expand करना था, इसके लिए चाह रहे थे कि हम raw material होने दें. So the correct answer is this one. ठीक है, देख लो NCERT में कहाँ पर है. अच्छा, एक और question मिलता जुलता एक और paper में था कि सोल पर्पस क्या था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, टू रिड्यूस कंट्री टू बीइंग रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट इंडस्ट्रियल बेस, एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में. यानी ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं बस, बहुत जगह मैंने सेम क्वेश्चन देखा है बहुत सारे स्लॉट्स में. ठीक है, तो द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस कंट्री टू बींग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली ग्रेट ब्रिटेन्स ओन अपनी रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. ठीक है, then next question देख लो. consider the statements, almost 60% of the population lived in villages on the eve of independence. no, it was 85% everybody. so ये wrong है, a हटाने से कुछ eliminate हो रहा है, बस ये option eliminate हो रहा है. then India was self-sufficient in food grains during pre-British era. pre-British India में India was self-sufficient, yes it's true. Britishers encouraged capital, Britishers ने कुछ encourage नहीं किया था, this is wrong. सी एलिमिनेट करने से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, चलो ये भी गया. सो हमें पता है कि ई तो सही है, टिस्को एस्टैब्लिश हुआ है 19, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ई है. अब या तो बी सही है, डी है, डी देख लेते हैं. इंडिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंडिया वॉज नॉट, इंडिया वॉज मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो बी सही है आपका एंड ई सही है गाइस, तो करेक्ट आंसर हो गया बी, यानी ऑप्शन ए. ओके, यू कैन रीड की हाउ एवर देर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री और 85% पॉपुलेशन थी, टिस्को 1907 में था. सो दिस इज आवर यू कैन अराइव एट दी करेक्ट आंसर. फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स एनसीईआरटी में मिल रहे हैं आपको. ठीक है, देन हम देख लेते हैं, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस. तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ अकरेंस हो गया, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, टिस्को कब आया था, सीक्वेंस यानी पहले कौन आया बाद में कौन आया. तो सीक्वेंस में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को 1907, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, बिगिनिंग ऑफ सेकंड 1921, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850. पहले क्या हुआ है, डी हुआ है. उसके बाद क्या हुआ है, 1881 में सेंसस आया, उसके बाद टिस्को आया एंड उसके बाद लास्ट में आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, DBAC. लेट्स सी, DBAC. ठीक है, अगर आपको डी भी पता है, अगर आपको सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो यहाँ पर, ठीक है, मैं यूज करती हूँ वैसे, बट एलिमिनेशन देख लो. अगर आपको ये भी पता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया सबसे पहले हुआ है, बाकियों की आपको डेट से याद नहीं आ रही, थोड़ी कंफ्यूजन है, बट यू नो कि सबसे पहले ये हुआ है.
तो भी आप एलिमिनेट करोगे, डी पहले हुआ है तो सब एलिमिनेट हो जाए. ओके, यू कैन सी एनसीईआरटी में सारा क्लिपिंग्स हैं कि ब्रिटिश रेलवे कब आई है, सेंसस कब हुआ है, टिस्को कब आई है, देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब से हुआ. तो यू कैन गो एंड रीड एनसीईआरटी, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू रीड एनसीईआरटी. ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लग रहा है.